नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है जीके राजस्थान के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज फिर से कुछ बेहतरीन 10 से 11 प्रश्नों के साथ आपके साथ जुड़ रहे हैं। और ध्यान रखना, जैसा कि मैं हर क्लास में करता हूं, लास्ट में एक्सरसाइज भी होगी 5 प्रश्नों की। ये ध्यान रखिएगा, लास्ट में 5 प्रश्नों की एक्सरसाइज भी होगी, इसीलिए कोई भी कहीं नहीं जाएगा। लगातार जुड़े रहना, पढ़ते रहना, बढ़िया से वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए, तैयार करिए। देखिएगा, आपके एग्जाम में बच्चों बहुत हेल्प होने वाली है इस वीडियो की। इस पे को देखोगे और अपने एग्जाम में जब जाके बैठोगे ना आप, और बैठ के जब वापस आओगे तो कहोगे कि नहीं यार, सर ने कुछ पढ़ाया था। क्योंकि ये छोटी है बेटा कि जब आप हमारे साथ मेहनत करोगे, ठीक है ना, तो ऑटोमेटिकली अगर आप ज्यादा नहीं, पर डे केवल एक तरीका भी सीखेंगे ना बेटा, एक तरीका भी अगर आप सीख गए, तो यानी कि अगर हम मान लें कि 30 दिन पढ़े तो 30 तरीके आपने सीखे। ये ध्यान रखना बेटा, अगर एक दिन में आपका एक टॉपिक भी क्लियर हो गया ना, तो 30 दिन में 30 टॉपिक क्लियर होता है बेटा। इसलिए ध्यान रखना, हम लोगों का जो मकसद होता है आपको पढ़ाने का, वो बस इतना सा है कि पर डे आपकी प्रैक्टिस चलती रहे चलती रहे। उससे फायदा क्या होता है, वही कछुआ और खरगोश वाली कहानी। कई लड़के ऐसे होते हैं बेटा कि एग्जाम में, एग्जाम के पहले, जैसे आपने सुना कि यार एक हफ्ते बाद पेपर होना है, तो रात रात भर पढ़ते हैं, ठीक है ना। और वही एक लड़का ऐसा होता है जो साल के पहले दिन से ही 3-3 घंटा पढ़ना शुरू कर देता है। ध्यान रखना बेटा, सिलेक्शन का बस एक ही मूल मंत्र है कि कछुए की चाल में चलते रहो, रुकना नहीं है। अगर रुक गए मैटर खत्म, ठीक है ना। ध्यान रखना बेटा, वो लड़के जो रात रात भर पढ़ते हैं एग्जाम से पहले, उनका कभी सिलेक्शन नहीं होता। ये ध्यान रखिएगा बेटा, सिलेक्शन उसी लड़के का होता है जो कॉन्टिन्यूसली पढ़ता है। 3 घंटा रोज पढ़ो, मैं नहीं कहता कि 12 घंटे पढ़ो, कोई जरूरत नहीं है 12 घंटे पढ़ने की। रोज 3 घंटे बस पढ़ लो पर डे, आधे घंटे रीजनिंग लगा लो। गारंटी देता हूं तुम पेपर में जाओगे, और अगर बीएसटीसी के एग्जाम में बैठ रहे हो ना, तो 50 में से 45 तो कोई रोक ही नहीं सकता, और बहुत बढ़िया अगर मेहनत कर लिए तो 50 में 48 49 भी आ सकता है। अब एक तो गलती किसी से भी हो सकती है, हमसे भी हो सकती है, तो आप तो स्टूडेंट हैं, मान सकते हैं कि आपसे भी गलती हो जाएगी दोस्तों। लेकिन 50 में 48 कहीं नहीं गया है, 49 कहीं नहीं गया है। इसके लिए बेटा बस आपको एक चीज करनी है, ईमानदारी से अपने माँ बाप के मेहनत को आप देख रहे हैं, परिश्रम को आप देख रहे हैं, वो कितनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, कितना काम करते हैं, अपना कपड़ा नहीं खरीदेंगे, आपको पहले खरीदते हैं। कोई त्योहार होगा, अपने लिए भले कुछ ना खरीदें, आपके लिए पहले खरीदेंगे। बेटा उनके प्रयास को देखो, समझो, और बेटा उसी को हिम्मत बनाओ कि नहीं, मैं अपनी जिंदगी में ऐसी मेहनत करूंगा कि मेरे माँ बाप को वो सब कुछ दूंगा जो उनको नहीं मिला अपने जीवन में। क्योंकि ध्यान रखना बेटा, माँ बाप गरीबी में पैदा हुए या गरीबी में तुम पैदा हुए, ये तुम्हारी कमी नहीं है, ठीक। लेकिन अगर बेटा गरीबी में मरे ना, तो ये तुम्हारी कमी होगी, जान लेना। भगवान हर बंदे को एक मौका देता है अपने आप को सुधारने का, लेकिन अगर आपने सही सुधारा तो वही होगा कि जैसे पैदा हुए थे वैसे ही मर जाओगे, कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। इसलिए बेटा ध्यान रखना, भविष्य के लिए तैयार हो जाओ, कमर कस लो। आपके 2-2 मॉक टेस्ट हो चुके, और भी मॉक टेस्ट होते रहेंगे। अपनी काबिलियत को पहचानो। मैं टॉपिक वाइज टेस्ट इसलिए देता हूं कि आपको टॉपिक बाय टॉपिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए दोस्तों, ठीक है ना। आज फिर से मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं नंबर सीरीज डायरेक्शन के सवालों के साथ, और हम लोग इसी पर काम करेंगे दोस्तों। और कोशिश ये रहेगी कि नंबर सीरीज के अलग अलग पैटर्न आपके सामने रखूं, जिसमें आपको काम करना पड़े और आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इसमें से करने के बाद में नोट से जरूर लगाया करो, बुक से जरूर लाया करो, ठीक है दोस्तों। तो बिना समय लिए हुए मैं क्लास को कंटिन्यू करूंगा और शुरुआत किया जाएगा सभी लोग, ठीक है ना। एक बार फिर से आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से राम राम, नमस्कार, गुड आफ्टरनून,
बहुत अच्छे रहो, पढ़ते रहो, मस्त रहो। शुरुआत करते हैं पढ़ाई की और देखिए आपके सामने जो पहला प्रश्न है वो दिखाई दे रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। ये रहा हमारा पहला प्रश्न और थोड़ा सा आपको मैं टेंशन देने वाला हूँ। पहले ही प्रश्न में आपको एक टेंशन देने जा रहा हूँ, लेकिन ये टेंशन तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत काम आएगी। ये सीरीज बहुत अच्छी सीरीज है, इसको मैं तुमको होमवर्क दे रहा हूँ, इसका जवाब अभी नहीं देना है, ये तुम्हारा होमवर्क है। इसका जवाब तुमको मेरे को कमेंट में देना है, तभी बच्चों ये ध्यान रखिएगा बेटा। मैं पहला ही सवाल आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, क्योंकि ये सवाल बहुत बढ़िया सवाल है और इसको जवाब में आपको मेरे को कमेंट में भेजना है। जब वीडियो खत्म हो जाएगी उसके बाद में इसको लगाइएगा, कमेंट में अपना आंसर भेजिएगा प्रश्न के साथ में। जिसका सही होगा मैं जरूर बताऊंगा किसका जवाब सही है, रिप्लाई जरूर मिलेगी उसको, ठीक है ना दोस्तों। तो ये ध्यान रखेंगे, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो और मैं आगे बढ़ता हूं तुरंत दूसरे प्रश्न पर। मैंने पहला प्रश्न इसलिए होमवर्क दिया क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही मजेदार सवाल है, बहुत अच्छी खासी बुद्धि लगेगी इस प्रश्न में, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। इस प्रश्न में अच्छी खासी बुद्धि का प्रयोग होना है। अब देखिए दोस्तों, एक सवाल आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ब्लड रिलेशन का सवाल है, बहुत ही आसान सा सवाल है, ब्लड रिलेशन का है। इसने क्या कहा है मैं पढ़ता हूं आपके सामने, आप भी ध्यान से देखेंगे इसको। इसने कहा, प्रीति ने अपने दोस्तों से एक पहेली पूछी। अब ध्यान दो भैया, एक लड़की है जिसकी नाम है प्रीति, ठीक है ना, जिसका नाम है प्रीति। इसने अपने दोस्तों से एक पहेली पूछी है और वो पहेली क्या है देखिए, जब मैं स्कूल के लिए तैयार हो रही थी तो एक आदमी हमारे घर पर आया। ध्यान रखना भैया, वो कह रही हैं कि जब मैं स्कूल आने के लिए रेडी हो रही थी उसी समय एक आदमी मेरे घर पर आता है, ठीक है ना। मेरी माँ उसे देखकर आश्चर्यचकित है। देखिए, आश्चर्यचकित हो जाती है। ये सब कहानियां हैं, बस सुनते रहो, सवाल अभी नहीं आया, आगे बढ़ते हैं। मैंने अपनी माँ से पूछा कि वह कौन है। अब देखो भैया, कहानी यहां तक की क्या है कि प्रीति स्कूल आने के लिए तैयार हो रही हैं, उसी समय उनके घर पर एक आदमी आता है और ये अपनी माता से पूछती हैं कि भैया ये कौन है, है ना। अब देखिए सवाल यहां से शुरू होता है डिफाइन होना। तो देखिए, मेरी माँ ने जवाब दिया, उन्होंने पूछा कि भाई ये कौन है। अब उसकी माता जो है वो जवाब दे रही हैं, क्या जवाब दे रही हैं देखा जाए, उनकी माता जी कह रही हैं कि वह मेरे दादाजी की पत्नी। पहली चीज, मेरे दादाजी यानी कौन, प्रीति के दादाजी की पत्नी के इकलौते बच्चे की इकलौती बेटी है। देखिए भैया, देखिए ये रहा, मेरे दादा की पत्नी के इकलौते बच्चे की इकलौती बेटी का इकलौता भाई है। हो गया भैया, ये रिलेशन है। यहां तक मेन सवाल है, देखिए यहां तक ही मेन सवाल है, इसी में इसका आंसर छुपा हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए प्रश्न क्या है, उसका यानी उस आदमी का मेरी माँ, ठीक है ना, मेरी माँ यानी प्रीति की माँ और मुझसे यानी उस प्रीति से क्या संबंध है, यही प्रश्न है दोस्तों। शायद प्रश्न समझ में आ गया होगा। इसे कहा कि मैं अपने स्कूल के लिए तैयार हो रही थी घर पर, तभी अचानक एक आदमी आता है और मेरी माँ से मैं पूछती हूँ कि ये कौन है, तो मेरी माँ कहती है कि वो मेरे दादाजी की पत्नी के इकलौते बच्चे की इकलौती बेटी का इकलौता भाई है। देख रहे हैं बेटा, ये है रिलेशन। को बताना है कि वो जो आदमी है उसका उस प्रीति से और उसकी माँ से क्या संबंध है, यही प्रश्न है। बहुत ही छोटा सा सवाल,
देखो क्या है, मैं डायग्राम बनाता हूं आपको। मेरे दादाजी यानी किसके दादाजी, प्रीति के भैया, ये हो गई प्रीति। तो प्रीति के दादा यानी पिताजी के पिताजी, है ना भैया, ये हो गए दादाजी। देखिए ये हो गए दादाजी ऊपर वाले, ये हैं दादा। आगे बढ़ते हैं, देखिए मेरे दादा की पत्नी, दादाजी की पत्नी यानी ये, ठीक है ना। अब ध्यान रखना है यहां पर प्लस का मतलब मेल है और स्टार का मतलब फीमेल है, ठीक है दोस्तों। तो जिसके बॉक्स के ऊपर प्लस है वो लड़का है और जिसके बॉक्स के ऊपर स्टार है वो फीमेल है यानी लड़की। आगे बढ़ते हैं, मेरे दादा की पत्नी के इकलौते बच्चे, इकलौते बच्चे यानी इनका इकलौता बच्चा यानी कौन, वापस से यही, ठीक है ये जो नीचे है ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि इकलौती बेटी, इकलौती बेटी यानी प्रीति, है ना भाई, इनकी इकलौती बेटी कौन हो गई, प्रीति, ठीक है। अब का इकलौता भाई है यानी वो प्रीति का कौन है, भाई है, ये यही वो आदमी है जिसके बारे में बात हो रही है, ये रहा वो आदमी आपके सामने। ये दोस्तों पूछा क्या गया है, उसका मेरी माँ और मुझसे क्या रिश्ता है। अब देखो भैया प्रीति का ये भाई है, तो अगर प्रीति का ये भाई है तो इसकी माँ का ये क्या होगा, बेटा ही होगा यार। देखो भैया सीधी सी बात है, पुत्र और भाई का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा कि वो मेरी माता का पुत्र है और मेरा भाई है, यही हमारा सही आंसर है। एक बार फिर मैं समझा देता हूं, देखिए इसने क्या बोला कि मेरे दादाजी यानी प्रीति के दादाजी, तो प्रीति के पिता दादाजी हो गए, कि पत्नी यानी दादाजी की वाइफ के इकलौते बच्चे यानी उनका बेटा ये हो गया, ठीक है ना, यहाँ पर ये बेटा हो गया, कि इकलौती बेटी यानी वापस प्रीति का इकलौता भाई है, इकलौता भाई का मतलब इसका भाई हो गया, यही वो आदमी है जिसके बारे में बात हो रही, ठीक है ना दोस्तों। तो अब देखिए पूछा गया है कि मेरी माँ से यानी प्रीति की माँ का वो बेटा होगा और प्रीति का कौन होगा, भाई होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। जितने बच्चे बी कह के वो बिल्कुल सही, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, तुरंत उम्मीद है सवाल समझ में आ गया होगा, तुरंत आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए दोस्तों ये एक सवाल है सीरीज का आपके सामने, पूछा गया है अगला पद बताइए, प्रश्न है अगला पद बताइए, बहुत आसान सा प्रश्न है, सवाल आपके सामने है। देखो दोस्तों 667 211 519 बताना है अगला क्या, यही आपका प्रश्न है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न, बहुत ही इजी सा प्रश्न है, जवाब देना है अगला पद क्या होगा, यही प्रश्न है दोस्तों। देखिए इसको आप क्या कर सकते हैं, दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा बुद्धि लगेगी, आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए दोस्तों 67 के आसपास 8 का स्क्वायर होता है और 4 का क्यूब होता है ना, इसी तरह से 211 के आसपास आपका क्या होता है भाई, 6 का क्यूब होता है, 6×6=36, 216, है ना। इसी तरह से यहां पर देखिए इनके साथ में अगर देखा जाए तो 512 होता है, 8 का क्यूब होता है, ये सब क्यूब के आसपास के नंबर्स हैं, जरा दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। देखिए 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का क्यूब माइनस 2, लिखा जा सकता है 2 का क्यूब यानी 8 हो गया, 8 में से 2 घटा दिया तो 6 हो गया दोस्तों। इसी तरह से देखो 67 को हम लोग लिख सकते हैं 4 का क्यूब और उसके बाद ले लो 4 का क्यूब यानी 64 हो गया और उसमें 3 जोड़ दो तो 67 हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए इसी तरह से इनको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इनको लिख सकते हैं 6 का क्यूब माइनस 5। यहां से देखो बेटा 2 का क्यूब हुआ, 4 का क्यूब हुआ, 6 का क्यूब हुआ, ठीक है ना, तो नियम के हिसाब से अगला 8 का क्यूब होगा,
तो ये देखिए 8 का क्यूब 512 होता है, 8 का क्यूब 512 होता है और उसमें 7 जोड़ दो, 7 जोड़ दो। ये हो गई यहां तक की सीरीज जो हम लोग को उसने दिखाया हुआ है। अब एक चीज देखो दोस्तों, 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हो गया, 8 हो गया, भैया अगला क्या होगा? तो 10 का क्यूब यानी कितना? तो 1000। ये तो यहां हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए 2 माइनस हुआ, प्लस 3 हुआ, फिर माइनस हुआ, फिर प्लस हुआ, तो अगला नंबर क्या होगा इसमें से? माइनस होगा। ये भी क्लियर हो गया होगा। अब देखो घटाएंगे कितना, ये देखने वाली बात है। तो देखिए दोस्तों 2, 3, 5, 7 ये सभी क्या है दोस्तों? ये सभी के सभी प्राइम नंबर हैं। कौन है? प्राइम नंबर। मैथ में आपको पढ़ाया जाता है प्राइम नंबर यानी कहें तो अभाज्य संख्या। क्या है भैया? अभाज्य संख्या है दोस्तों, ठीक है ना। देखिए ये अभाज्य संख्या है तो भैया 2, 3, 5, 7 तो भैया अगली अभाज्य क्या होती है? 11। तो 11 माइनस कर दीजिए दोस्तों 1000 में से, 1000 में से 11 घटा देंगे दोस्तों तो कितना आएगा? 989। 989 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यही आपका सही आंसर है कि सर यहां पर 989 यही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा जो आपको सामने दिखाई दे रहा है दोस्तों, ठीक है ना। अब मैं आगे बढ़ता हूं, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अभी हम लोग तीसरे प्रश्न पर थे, आते हैं चौथे प्रश्न पर। जल्दी से इसे नोट कर लेंगे सभी मित्र, फटाफट इसे नोट करेंगे और नोट करके आगे चला जाएगा तुरंत अगले सवाल पर। अगला सवाल भी बहुत मजेदार है, ध्यान रखना बेटा। हमारा बस एक ही मकसद है कि आप पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, बस रीजनिंग को आप ज्यादा समय मत दीजिए। मैं बार बार कहता हूं, मैं हर क्लास में बच्चों को बताता भी हूं कि भैया रीजनिंग के लिए ज्यादा समय नहीं चाहिए मेरे को, रीजनिंग के लिए आप बस पर डे, प्रतिदिन ज्यादा मत करिए, आधे घंटे पर डे पढ़िए, बस आधे घंटे रोज पढ़ के देखो, मेरी क्लास को लेते रहो और पर डे घर पे आधे घंटे पढ़ते रहो, देख लेना तुम्हारी पूरी की पूरी रीजनिंग तैयार हो जाएगी समय से, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। बाकी प्रैक्टिस तो मैं करा ही रहा हूं, आप घर पे अपनी बुक से भी सवाल लगाते रहे दोस्तों, ठीक है ना। और जैसे देखिए ये सवाल हम लोगों के सामने स्क्रीन पर है, बोल रहा है 4, 5, 9, 20 ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क और 160.5 बताना है यहां प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या होगा, यही प्रश्न है। बहुत आसान सा प्रश्न है लेकिन सीरीज बड़ी मजेदार है, ये सीरीज बहुत ही मजेदार है। जैसा मैंने आपको पहला वाला होमवर्क दिया लगभग वैसी ही सीरीज ये भी है, थोड़ी सी बुद्धि लगानी है सवाल में और आंसर आपको मिल जाएगा। कई लोग ये सोच रहे होंगे कि सर यहाँ का अंतर 1 है, यहाँ का अंतर 4 है, यहाँ का अंतर 11 है, तो देखो दोस्तों इसमें 3 है, यहाँ का अंतर 7 हुआ। भैया ये क्रम आगे तो चला जाएगा लेकिन देखिए ध्यान से, यहाँ दशमलव में आ गया, यहाँ पर दशमलव आ गई, जबकि इस सीरीज में दशमलव आएगा ही नहीं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस सीरीज में दशमलव नहीं आने वाला, यानी कि भैया ये तो गलत है, ये जो अब तक हम लोगों ने किया ये तो गलत है। अब क्या होगा? थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा, थोड़ी सी बुद्धि लगानी पड़ेगी, क्योंकि सीरीज है इतनी आसानी से तो नहीं होगी। अब देखिए दोस्तों, अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो 4 से 5 कैसे हो सकता है? तो 4 × 1 + 1 कर दीजिए, देख सकते हैं ना कि 4 में 1 का गुणा किया और फिर 1 जोड़ दिया, कितना आ गया बेटा? 5 आ गया ना, देखिए 5 मिल गया। अब देखो दोस्तों 5 से 9 लाना है, तो कई लोग सोच रहे होंगे कि सर 5 × 10 और -1 कर दो,
बेटा यहाँ कर तो दोगे लेकिन क्या आगे चलेगा ये भी ध्यान देना है, वो चीज आगे होनी चाहिए तो वो नहीं हो पाएगी, यानी कि ये गड़बड़ है, ये तो नहीं होगा। और देखा जाए देखो 5 से 9 लाना है तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, गुणे 1.5, मतलब 5 का 1.5 गुना कर दो, 1.5 गुना यानी 1.5 कर दो। तो ध्यान से देखो बेटा मैं यहां दिखाता हूं आपको, 5 × 1.5 = 7.5 कितना भैया 7.5 हो गया। और देखिए यहां 9 चाहिए ना, देखिए यहां 1 से गुणा हुआ तो 1 जोड़े, यहां 1.5 से गुणा कर रहे हैं तो कितना जोड़ दें 1.5 जोड़ दें, तो इसमें 1.5 जोड़ दीजिए, देखिए ये कितना हो जाएगा 9 ही तो होगा, देखिए 9 आ गया कि नहीं आ गया। अब शायद बुद्धि चल गई होगी सभी की, अब दिमाग में आ गया होगा पॉइंट, तुरंत आ गया होगा समझ में कि क्या होना है। देखिए 1.5 से गुणा किया और फिर 1.5 जोड़ भी दिया है ना दोस्तों, यहां हो गया। इसी तरह से 9 से 20 अगर करना है तो 9 × 18 + 2, अब देखिए समझ में आ गया होगा आपको, पहले 1 से गुणा हुआ फिर 1.5 से गुणा हुआ फिर 2 से गुणा हुआ, हर बार आधा क्या कर रहा है बढ़ा रहा है, आधा बढ़ा रहा है। यानी कि दोस्तों अब चेक करने के लिए देखिए 20 में पहले क्या करें 2.5 का गुणा करें, कितने का गुणा करें 2.5 का। तो देखो दोस्तों मैं लगा देता हूं यहां पे, इसी को साफ करके देखिए 20 को 2.5 गुना करिए, तो अगर 20 को 2.5 गुना करेंगे आप तो हो जाएगा 50 है ना दोस्तों। अब देखिए 2.5 गुना हो गया, अब इसमें 2.5 जोड़ भी दीजिए तभी तो पूरा होगा सीक्वेंस, 2.5 जोड़ भी दीजिए तो 2.5 जोड़ दीजिए भाई 2.5 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 52.5 कितना हो जाएगा 52.5। यही आपका देखिए पहला ही ऑप्शन है, देखिए दोस्तों पहला ही ऑप्शन है 52.5, यही आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कि 52.5। अब देखो दोस्तों चेक करने के लिए अगला वाले में क्या ये सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो ये भी कर लिया जाए। तो देखो आपने यहां पर 2.5 का मल्टीप्लाई किया तो यहां से आगे अब क्या करेंगे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और 3 जोड़ेंगे, यही तो नियम कहता है ना दोस्तों। तो देखो 52.5 × 3 = 3×15 3 × 6 = 7 और 3×15 हो गया कितना ठीक और 0.5 ठीक है दोस्तों। अब इसमें 3 उठा के जोड़ दो तो 3 जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा 160.5। देखिए यही तो है अगला पद, तो आ गया दोस्तों। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो गया 52.5, नोट कर लीजिएगा फटाफट इसको दोस्तों, नोट कर लेंगे सभी बच्चे जल्दी से इसे नोट कर लेंगे कि देखिए कितनी बढ़िया सीरीज है। अगर इसका कोई आपसे टाइप पूछे कि ये कौन सी टाइप है तो ध्यान रखना दोस्तों ये है मिक्सचर सीरीज। कौन सी सीरीज है तो इसका नाम होता है मिक्सचर सीरीज, मिक्सचर यानी मिश्रित श्रेणियां, ये है आपकी सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज, सबसे इंपॉर्टेंट नंबर सीरीज में अगर कोई श्रेणी है तो मिश्रित श्रेणी होती है। जल्दी से इसे नोट करेंगे दोस्तों और फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे फटाफट, जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, जल्दी से इसे नोट करिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ ठीक है दोस्तों। तो चलिए जल्दी से इसे नोट किया जाए और मैं आगे बढ़ता हूं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, फिर से एक सीरीज का सेक्शन है। देखिए बेटा मैंने सीरीज को हाईलाइट थोड़ा इसलिए किया है कि जहां पर 50 सवाल या 40 सवाल हैं रीजनिंग के वहां पर 3 सवाल कम से कम सीरीज से आएगा, ये ध्यान रखिएगा कम से कम 3 प्रश्न सीरीज का होगा, इस बात का ध्यान रखना है ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए मैं उस पर ज्यादा फोकस कर रहा हूं क्योंकि सबसे अधिक समय अगर किसी बच्चे को लगता है तो वो सीरीज के टॉपिक में लगता है और किसी में नहीं ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि सीरीज के टॉपिक में लगेगा ठीक है। चलिए दोस्तों तो अब मैं आपको इस सवाल आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा इसका जवाब देना, बहुत ही आसान सा सवाल है, इसमें समय नहीं लगना चाहिए क्योंकि बहुत ही आसान सवाल है, रियल में कहने के लिए नहीं ये रियल में बहुत आसान सवाल है, इसका जवाब जल्दी से आना चाहिए। तो
कि इसमें समय नहीं लगना चाहिए हम लोगों का। अब देखिए दोस्तों, 8 से 10 हुआ, 8 से 10 हुआ, 10 से 23 हुआ, 23 से 73 हुआ, 297। अंतर बहुत ज्यादा है, अंतर बहुत ज्यादा है। तो क्या किया जाए, देखिए अगर 8 से 10 लाना है तो 8 × 1 + 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा, है ना। देखिए मैं यहां पर एकदम आपको सीक्वेंस में दिखा रहा हूं कि 8 से 10 ऐसे आ गया। अब देखिए दोस्तों, 10 से 23 लाना है तो 10 × 2 + 3 कर दो, कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, इसी प्रकार से 23 से 73 लाना है तो 23 × अब देखिए 1 से गुणा हुआ 2 से गुणा हुआ तो 3 से गुणा कर दो तो 23 × 3 = 69, ठीक है ना, 69 और उसमें 4 जोड़ दो तो 73 हो गया। ठीक है दोस्तों, देखिए चलिए, देखिए 73 भी आ गया और 73 से 297 देखा जाए कैसे आता है। तो देखिए दोस्तों, 73 मल्टीप्लाई 3 हो ही चुका है, 4 से गुणा करिए और 5 जोड़ दीजिए, यही तो है सीक्वेंस। अब जरा करके देखा जाए तो देखिए 4 × 3 = 12, 4 × 7 = 28 और 1 = 29, ठीक है ना, 292, 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 297। यही आपका यहां तक हो गया, देखिए हम लोग यहां तक आ चुके हैं। अब हमको अगला पद चाहिए, अगला पद चाहिए तो देखो दोस्तों, तुम्हारे सामने है 297 × 4 1 2 3 4, तो अगला 5 होगा, इसी तरह से 2 3 4 5 और ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए बस फटाफट इसको मल्टीप्लाई करना है और करके आंसर लिखना है। तो सबसे पहला काम, 297 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 7 = 35, 5 × 9 = 45 और 3 = 48 और 5 × 2 = 10 और 4 = 14 और उसमें 6 जोड़ दो बेटा, तो 6 जोड़ दोगे तो 1491, कितना है दोस्तों, 1491, ऑप्शन नंबर बी। देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी यानी कहा जाए तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, सेकंड वाला आंसर बिल्कुल सही आंसर होगा, यही सही जवाब है कि भैया 1491 राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। शायद उम्मीद है कि बातें समझ में अच्छे से आ रही होंगी। देखिए दोस्तों, मैंने कैसे ये सीरीज बनाई है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आंसर अपना आ गया कितना, 1491, कितना आ गया भैया, 1491, यही हम लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। अब मैं आगे बढ़ूंगा बिना समय गंवाए हुए फटाफट। देखिए दोस्तों, सीरीज पे जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने निखरते जाओगे। लड़के क्या करते हैं कि जो डायग्राम वाले मिसिंग नंबर वाले होते हैं उस पे समय देते हैं, ये गलती है बेटा, बेवकूफी कर रहे हो, सीरीज पर काम करो, इस पर काम करोगे तो हमेशा सही आंसर आएगा और प्रैक्टिस बनती रहेगी। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही सीरीज में अच्छे होते जाओगे, परफेक्ट होते जाओगे, इस बात का ध्यान रखना दोस्तों। हम लोग आप ही के भले की बात करेंगे, उससे हमको कोई नुकसान या फायदा नहीं है, लेकिन हम एक चीज जानते हैं कि अगर आपका भविष्य सुधरेगा तो आप हमको जरूर एक बार याद करोगे कि हाँ यार सर से पढ़े थे। ध्यान रखना दोस्तों, जल्दी से आगे बढ़ेंगे और फटाफट क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाएगा दोस्तों। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही एक बढ़िया सा मेंटल एबिलिटी का सवाल है, ये सवाल है मेंटल एबिलिटी, पागलों वाला सवाल मत समझ लेना, मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी का मतलब बुद्धि का प्रयोग, तुम्हारी बुद्धि का देखा जाता है कि तुम्हारी बुद्धि कितनी सही चल रही है, वो यहां चेक होता है। जैसे देखिए इसने क्या बोला है, इसने बोला है मेरा बच्चा, देखिए सबसे पहले ऊपर आते हैं, उस विकल्प को चुने जहां पहले कथन में दूसरे का अर्थ अंतर्निहित है। ध्यान रखिएगा भैया, उस विकल्प को चुनना है, देखिए ये विकल्प आपके सामने 4 दिए गए हैं, बताना है कि इन चारों में देखिए 2-2 का जोड़ा बना है, 2 3 3 1 1 2 3 4, देख रहे हैं 1 2 3 4, यहां पर
उसको उठाना है जिसके द्वारा एक प्रॉपर मीनिंग निकल सके। पॉइंट क्या है देखिए ध्यान से, कथन क्या है, कथन ये दिया हुआ है, देखिए ये मेन जगह है, यही कथन है, इसको समझिए। इसने क्या कहा है, यदि बच्चा भूखा है, यदि बच्चा भूखा है तो वो रोएगा, ये जान लेना भैया। यानी अगर वो रो रहा है इसका मतलब वो बच्चा क्या है, भूखा है, इस बात को ध्यान रखिए। अगर वो रोता हुआ मिला इसका मतलब वो बच्चा भूखा है तभी रो रहा है, सीधी सी बात है, इसके कहने का सेंस। अब इसमें वन बाय वन देखिए इसने क्रम लगाया है कि जिसके क्रम में देखिए, पहले वाला कहता है कि पहले इनको पढ़ो और फिर इनको पढ़ो, दो और तीन, और इसी क्रम में रखना है बस इनको, और कुछ नहीं करना है, रखना है इसी क्रम में। तो जरा दोस्तों चलो रखा जाए। देखिए दूसरा कहता है, पहले वाले ऑप्शन को देते हैं, पहले वाले ऑप्शन में कहा गया है पहले दो को लीजिए फिर तीन को लीजिए। चलिए भाई दूसरा वाला क्या है, मेरा बच्चा रो रहा है, मेरा बच्चा रो रहा है, यानी, और देखो फिर तीसरे नंबर पर इसके बगल में क्या आ गया, मेरा बच्चा खेल रहा है। यहां खेलने का तो कोई जिक्र ही नहीं है, यहां केवल एक लाइन है, ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये थोड़ा सा दिमाग को घुमाएंगे सवाल। इसने कहा है कि मेरा बच्चा यदि भूखा है तो वो रोएगा, मतलब अगर वो रोता हुआ मिला यानी कि उसको भूख लगी है, यही उसका मतलब है बेटा, ध्यान रखिएगा कि उसको अगर भूख लगी तो वो 100% रोएगा, जरूर एकदम श्योर है। उसने कहा है कि इसको भूख लगेगी तो ये रोएगा, यानी जब वो रोता हुआ मिला, यानी समझ लेना भैया इसको भूख लगी है, यानी जब उसको भूख लगेगी तब वो रोएगा। अब देखो पहला वाला तो बिल्कुल गलत सीक्वेंस जा रहा है, ये तो सही से बैठ ही नहीं रहा है, ये कह रहा है कि मेरा बच्चा रो रहा है, मेरा बच्चा खेल रहा है, यानी कि ये सीक्वेंस तो गलत है भाई, ये काम नहीं आने वाला, इसको हटा दिया जाए। अब इसको हटाते हैं, अब दूसरे ऑप्शन पर आते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है भाई, जरा देखा जाए दूसरा ऑप्शन क्या है। दूसरा ऑप्शन कहता है तीसरा और पहला, तो ध्यान से देखो बेटा तीसरा क्या है, मेरा बच्चा खेल रहा है, मेरा बच्चा खेल रहा है, और फिर पहला वाला रख दीजिए इसके साथ में, मेरा बच्चा भूखा है। ऊपर देखिए क्या बोला है कि अगर मेरा बच्चा भूखा होगा तो वो रोएगा, और ये कह रहे हैं कि मेरा बच्चा खेल रहा है इसका मतलब मेरा बच्चा भूखा है, ये भी बात क्या हो गई दोस्तों, गलत हो गई। यानी सर ये भी क्रम गलत है, यानी दूसरा भी गलत हो गया, देखिए पहला भी गलत दूसरा भी गलत। अब तीसरे पर आते हैं दोस्तों, तीसरे को चेक किया जाए जरा, तो तीसरे ने क्या बोला है, चलिए तीसरा कहता है पहला और दूसरा, यानी पहले पहला रखिए फिर दूसरा रखिए। अब देखा जाए जरा दोस्तों, तो मेरा बच्चा भूखा है तो मेरा बच्चा रो रहा है, बोलो भाई सही है, मेरा बच्चा भूखा है तो मेरा बच्चा रो रहा है, ये पॉइंट बिल्कुल क्या है, ऊपर से मैच खा रहा है कि भैया मेरा बच्चा भूखा होगा तो वो रोएगा, यानी कहने का मतलब कि मेरा बच्चा अगर भूखा है, देखिए पहले वाले को रखेंगे तो कह रहा है कि मेरा बच्चा भूखा है, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, मेरा बच्चा रो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यही सही होगा इस पर, क्योंकि यही बिल्कुल ऊपर वाली बात को रिपीट कर दे रहा है। चौथा ऑप्शन कहता है कि तीन एवं चार, यानी मेरा बच्चा खेल रहा है इसका मतलब वो भूखा नहीं है, ऐसी कोई बात खेलने कूदने की यहां बात नहीं उठी है, इसलिए चौथा ऑप्शन गलत है, केवल ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यही एक सवाल सही है। आगे बढ़ते हैं फटाफट बिना समय गवाए हुए अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर, ये रहा एक और नंबर सीरीज का सवाल जिस पर हम लोगों को काम करना है और बताना है कि क्या होगा अगला पद। देखिए प्रश्न आपके सामने है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, 108, 228, 288, फिर 318, फिर 333 और फिर 340.5, बताना है अगला पद क्या होगा, यही प्रश्न दोस्तों, बताना है अगला पद क्या होगा, यही सवाल होगा, जल्दी से जवाब देना है इस सवाल का फटाफट कि अगला पद क्या होगा। अब देखो दोस्तों अगर देखा जाए
तो फटाफट इनका अंतर निकालिए। तो ये हो गया 0, 2, 1, इनका अंतर कितना आया 120 आया। इसी तरह से जरा इनका अंतर निकालिए, 8 में से 8 गए 0, 8 में से 2 गए 6 और ये हो गया। ठीक है दोस्तों, अब जरा इनका अंतर निकालिए, तो ये हो गया 30 का अंतर, है ना दोस्तों। इसी तरह से जरा इनका अंतर निकाल लिया जाए, तो इनका अंतर 15 का है और जरा इनका अंतर निकालिए, अगर इनका अंतर निकालें तो ये है 7.5 का डिफरेंस। अब देखो दोस्तों, शायद अब बुद्धि सबकी चल गई हो, फटाफट दिमाग में आ गया हो कि देखो 120 से 60 हुआ है, यानी इसको आधा कर दो, 120 का आधा कर दो। इसी तरह से 60 से 30 हुआ है, यानी इसका आधा कर दो। इसी तरह से देखो 30 से 15 हुआ है, इसको भी आधा कर दो। और इसी तरह से 15 से 7.5 हुआ है, तो इसको भी आधा कर दो। अब दोस्तों देखो, 7.5 को भी आधा करो, तो 7.5 को जब आधा करोगे, यानी 7.5 इंटू 1.2 या फिर 0.5 कह लो, या तो कह लो 0.5। अब जब इसको आधा करो, ठीक है, अब इसको आधा किया जाएगा दोस्तों, क्या आएगा देखिए, 2 × 3 = 6 हो जाएंगे, ठीक है ना, और ये हो जाएगा 3.75, कितना हो जाएगा। अब 3.75 को दोस्तों उठाना है और उठा करके 340.5 में जोड़ देना है। तो जरा जोड़ दीजिए इसको फटाफट, तो 340.5 फिर 3.75 बराबर 5, 2, 4, 4, 3, यही आपका सही आंसर है दोस्तों। देखिए 344.25 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का, कि भैया यहां कुछ नहीं हो रहा, हर टर्म को आधा करता जा रहा है। क्या कर रहा है, हर टर्म को आधा कर रहा है। जैसे पहले में देखिए 120 का आधा किया, दूसरे में 60 का आधा किया, तीसरे में 30 का आधा किया, अगले में 15 का आधा किया, तो 7.5 का भी आधा कर देंगे। 7.5 को जब आधा करेंगे दोस्तों, तो देखिए कितना आएगा, 3.75 आ जाएगा। 3.75 को उठाएंगे और 340.5 में जोड़ देंगे, और जब उसमें जोड़ेंगे दोस्तों तो क्या आएगा, 344.25, यानी कहा जाए तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा, यही मान्य आंसर होगा इस प्रश्न का, शायद समझ में आ रहा होगा दोस्तों। बकायदा देखिए, कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि सवाल हो सकता है पहली बार में आपके दिमाग पे न बैठे, तो हड़बड़ाना नहीं चाहिए, उसको तुरंत नोट कर लेना चाहिए और वीडियो को फिर से देखिएगा, बाद में फिर से देखिएगा, फिर समझिएगा, नहीं समझ में आता फिर देखिए, नहीं समझ में आता तब जाके आप मुझे कमेंट में वो सवाल भेजिएगा, मैं उसका जवाब आपको जरूर भेजूंगा। ये जान लीजिए बेटा, हमेशा पढ़ने का तरीका सीखिए, लाइव में पढ़ना थोड़ा सा अलग होता है क्लासरूम के पढ़ने से, यहां थोड़ा सा सेल्फ प्रैक्टिस ज्यादा लगती है, आपको मेहनत ज्यादा करनी होती है, और साथ में अगर टीचर सपोर्ट करने वाला हो तो अपने आप आपकी मेहनत रंग ला देती है दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। इस बात का ख्याल रखना है, तुरंत आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न पर दोस्तों। अगला प्रश्न हम लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा, देखिए आपके सामने आपका अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, फटाफट चेक करेंगे, बताना है अगला पद क्या होगा। हम लोगों की सीरीज जो है वो है 2, 8, 26, 62, 112, बताना है अगला क्या होगा, यही प्रश्न है दोस्तों। जल्दी से इसको बताना है क्या होगा इसका सही आंसर। अब कई लोग प्लस माइनस गुणा भाग में लग गए होंगे, जैसे कई लोग कर रहे होंगे सर 2 × 8, तो भैया ये 8 × 32 नहीं है, 32 नहीं है, यानी ये तो गलत है भाई, ये तो नहीं होगा, समझ रहे हैं बात को, ये तो नहीं है। अब ये नहीं है तो बस मेन मेथड लगाओ, अंतर निकालना शुरू करो। तो देखो दोस्तों, यहां का अंतर 6 हो गया, यहां का अंतर 18 हो गया, देख रहे हैं यहां का अंतर कितना हो गया, 18 हो गया। अब इसी तरह जरा यहां का अंतर निकाल लीजिए, तो यहां का अंतर निकालेंगे तो 12 में से 6 गए 6 और 12 ये हो गया 3। आगे बढ़ते हैं, यहां देखिए इसका अंतर निकाला जाए
तो ये 60 का अंतर है और इनका अंतर अगर निकाल लें तो 0 और 11 में से 2 गए तो 90 हो गया, है ना दोस्तों। देखिए इतने अंतर आ गए। अब इसमें एक स्टेप और नीचे चले जाओ, क्यों कई लोगों को लग रहा हो 6 × 3 = 18 है, 18 × 2 = 36 है, लेकिन बेटा 36 का कोई मल्टीप्लाई 60 नहीं होता, इसलिए मल्टीप्लाई तो नहीं है। अब देखिए दोस्तों यहां देखते हैं, इनका अंतर है 12 का, ठीक है ना। इसी तरह से दोस्तों देखो यहां पर अंतर है 18 से 36, कितने का डिफरेंस होगा तो देखिए 18 का अंतर होगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, 36 से 60 हुआ है, 24 का अंतर है, 60 से 90 हुआ है, 30 का अंतर है ना बेटा, पॉइंट समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहां पर 6 है, यहां का अंतर भी 6 है, यहां का अंतर भी 6 है, यानी कहने का सेंस समझिएगा बेटा, पहले 6 को जोड़िए तो 36 होगा, अब देखिए अब क्या करेंगे कि अब यहां से देखिए 6 यहां पर जोड़ा तो 36 हुआ, 90 में अब 36 जोड़ दीजिए तो 90 में जब 36 जोड़ेंगे आप तो आएगा 126, कितना आएगा 126, 126 यहां लिखेंगे, 126 को इसमें जोड़ेंगे किसमें, 212 में जोड़ दीजिए 8 3 3, यही आपका सही आंसर है 338। देखिए क्या हमारे ऑप्शन में दिया है, तो नहीं दिया है तो किसके साथ जाएंगे कि सर इनमें से कोई नहीं, एक बार चेक कर लीजिए कहीं कुछ मिस तो नहीं हो गया है, क्योंकि तब जाकर फाइनल आंसर देखा जाए। तो देखिए दोस्तों यहां पर 12 में 6 जोड़ के 18 हुआ, 18 में 6 जोड़ के 24 हुआ, 24 में 6 जोड़ के 30 हुआ, तो 30 में 6 जोड़ेंगे तो 36 आएगा। देखिए ये 36 है, 36 को उठा के 90 में जोड़ दोगे तो 126 हो जाएगा, 126 को उठा के 212 में जोड़ दो जो आएगा वही आपका आंसर है, तो 212 में 126 जोड़ेंगे आप तो कितना आएगा बेटा 338, यही हमारा सही आंसर है। लेकिन चूंकि हमारे ऑप्शनों में है ही नहीं तो हम कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। पॉइंट समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से। आगे बढ़ते हैं, तुरंत अगले सवाल पर आते हैं दोस्तों, जल्दी से अगला प्रश्न देखा जाए। देख रहे हैं कितने बेहतरीन सवाल आज लाया हूं कि बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, एक बार प्रैक्टिस कर लो देख लेना, कोई भी एग्जाम में आपको बीट नहीं कर पाएगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करेंगे तो ही बात बनेगी, नहीं करेंगे तो बात गड़बड़ी है। अब देखिए प्रश्न ये डायरेक्शन का है, ठीक है ना, सीरीज के बहुत सारे सवाल हुए अभी, हो सकता है आगे भी मिलेंगे, एक सवाल डायरेक्शन का है। देखिए क्या कहा गया है, कहा जा रहा है मैं अपने घर से चलता हूं, यानी भाई साहब अपने घर से निकल रहे हैं, ठीक है, जिसका मुख दक्षिण की ओर है। ध्यान देना भैया, इनके घर का जो मुंह है वो किधर है, दक्षिण है, तो सीधी सी बात है वो निकलेंगे तो किधर निकलेंगे, दक्षिण की ओर निकलेंगे। कहने का सेंस मान लेते हैं ये उनका घर है, ठीक है, और इसका मुंह दक्षिण है, तो जब भी वो निकलेंगे तो उनका मुंह ऐसे होगा नीचे की तरफ, इस तरह से है दोस्तों, इस तरह से मुंह होगा निकलते समय घर से। अब देखिए दोस्तों आगे देखते हैं, और 180 अंश, देखिए 180 अंश दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त इसको नोट कर लीजिएगा, मैं यहां बना दे रहा हूं, दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ठीक है, दक्षिणावर्त का मतलब क्लॉकवाइज, यानी अब यहां से वो क्लॉकवाइज यानी सुई की दिशा में, यानी ऐसे घूमे इस तरह से, और 180 अंश घूम गए ऐसे, है ना दोस्तों। देखो ये हो गया कितना अंश, 180 अंश ऐसे, है ना, और अब वो ऊपर की तरफ ऐसे जा रहे हैं, देखिए ऐसे जा रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, घूम जाता हूं और पार्क में पहुंचने के लिए 8 किलोमीटर चलता हूं। ध्यान रखना भैया, वो यहां से निकल के पार्क जाने के लिए कितना चल रहे हैं, 8 किलोमीटर, ये मान लो पार्क हो गया। देखिए दोस्तों कितना बढ़िया सवाल है कि उन्होंने बताया कि मेरे घर का जो मुंह है वो दक्षिण की ओर है, तो सीधी सी बात है यानी जब वो निकलेंगे तो उनका भी मुंह किधर होगा, दक्षिण होगा, दक्षिण से वो दक्षिणावर्त यानी घड़ी की दिशा में ऐसे 180 अंश घूमे, यानी ऐसे घूम गए,
यानी एकदम उल्टा हो गए, तो उल्टा हो गए यानी उत्तर दिशा में हो गए और 8 किलोमीटर चले तो पार्क पहुंच गए। अब पार्क तो आ गए भैया, अब उसके आगे देखते हैं पार्क में क्या होता है। उन्होंने कहा पार्क चला, यहां तक की बात हो गई, आगे देखते हैं। वहां से मैं 90 अंश वामावर्त, देखिए वामावर्त, देखिए मैं इसको भी यहां लिख दे रहा हूं, वामावर्त यानी एंटी क्लॉक वाइज। वामावर्त का मतलब एंटी क्लॉक वाइज, सीधा ठीक है ना, वामावर्त का मतलब एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, वामावर्त दिशा में कितना घूमे भैया, 90 अंश, कितना घूमे हैं 90 अंश। और देखो भैया यहां से वो 90 अंश वामावर्त, देखिए दक्षिणावर्त उधर होगा, वामावर्त इधर होगा, यानी वो अब यहां से ऐसे घूमेंगे, ऐसे इस साइड, ठीक है। और फिर बैंक पहुंचने के लिए, कहां पहुंचने के लिए, बैंक पहुंचने के लिए कितना चले हैं, तो 6 किलोमीटर। तो भैया मान लो ऐसे मुड़े और ये आ गए बैंक, ठीक है ना, आजकल वैसे भी बैंक में लोगों को ज्यादा काम है, तो बैंक पहुंच गए 6 किलोमीटर चल के दोस्तों। अब देखो क्या हुआ, घर और बैंक के बीच की सबसे छोटी दूरी, छोटी दूरी यानी न्यूनतम दूरी, कहने का सेंस ये दूरी बतानी है आपको, ये दूरी मान लो x है। तो आप सब जानते हैं, देखिए आपके पास लंब दिया है, आधार दिया है, बेस है, ठीक है ना, बेस है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस को निकालना है, पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम है x का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यही तो है बेटा। देखिए ये हाइपोटेनियस हो गया, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इनका स्क्वायर प्लस इनका स्क्वायर, है ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो गया 64 + 36 इज इक्वल टू 100, एक्स स्क्वायर बराबर 100 है बेटा, तो यक्स बराबर 10 किलोमीटर, यक्स बराबर कितना आ गया 10 किलोमीटर। यही हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा, जितने बच्चे इसके साथ गए हैं बिल्कुल सही होंगे, बिल्कुल सही, 10 किलोमीटर सही आंसर है, 10 किलोमीटर सॉल्यूशन आपके सामने है। फटाफट नोट करेंगे इसको, जल्दी से लिखेंगे, जल्दी से नोट करेंगे और तुरंत हम लोग अगले प्रश्न पर आ जाएंगे। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फटाफट नोट करिए और हम लोग अगले प्रश्न पर आएंगे तुरंत से। देखिए दोस्तों, सवालों को समझने के लिए बार बार देखना बहुत जरूरी होता है। हम लोग भी पढ़ते थे और अगर कोई सवाल समझ में नहीं आता था ना, तो उसको दसियों बार देखते थे, एक दो बार नहीं, दसों दसों बार देखते थे, जरूर आता था समझ में, और अगर नहीं आता था तो सर से तुरंत पूछते थे, ठीक है ना। तो आपके पास भी यह सुविधा उपलब्ध है, आप भी हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से, और बच्चे पूछते हैं, उनको जवाब दिया जाता है, ठीक है ना। आप पूछेंगे आपको भी जवाब मिलेगा, 100% मिलेगा, लेकिन जब पूछेंगे बेटा तब, नहीं पूछेंगे तो कोई अपने मन से बता नहीं सकता, जितना हमको बताना चाहिए उससे ज्यादा हम आपको बता रहे हैं दोस्तों, लेकिन आपको अपनी तरफ से मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे फटाफट बिना समय गवाए हुए। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने स्क्रीन पर है, बहुत ही बढ़िया सवाल, ये सवाल कई बार पूछा गया है, ये सवाल एग्जामों में बहुत आया हुआ सवाल है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने स्क्रीन पर है, बताना है इनके बाद क्या होगा। देखिए दोस्तों सवाल है 17, 16, 14, 12, 11, 8, 8, बताना है अगला क्या। अब कई लोग ऐसे चल रहे होंगे कि सर 17 से 16 -1, 16 से 14 -2, 14 से 12 -2, फिर -1, फिर -3। देखिए बार बार टर्म अलग अलग हैं, यानी ये सही सीक्वेंस नहीं है, ये तो नहीं है, कुछ और सोचिए फटाफट, कुछ और सोचिए, क्योंकि ये सीक्वेंस तो यहां नहीं बैठने वाला, ठीक है ना, जल्दी से कुछ और सोचा जाए। अब देखिए दोस्तों इस सीरीज को कैसे हम लोग कर सकते हैं, एक सीरीज होती है जो कहलाती है यौगिक श्रेणी, यौगिक श्रेणी यानी कंपाउंड सीरीज,
उस शरीर में दो श्रेणियां एक साथ लिखी जाती हैं, उसकी पहचान होती है कि जब सीरीज में कोई भी एक ही नंबर रिपीट हो जाए तो वहां यौगिक श्रेणी हो सकती है। ध्यान से सुन लीजिए इस लाइन को कि जब किसी सीरीज में कोई एक ही नंबर रिपीट होता है तो वहां यौगिक श्रेणी हो सकती है। अब देखिए यहां पर आठ और आठ दो बार आ गया है, देख रहे हैं ना, आठ और आठ दो बार आ गया, यानी दोस्तों यहां यौगिक श्रेणी हो सकती है। यौगिक श्रेणी हो सकती है तो कैसे चेक करें, ऐसे एक एक छोड़ छोड़ के देखिए, 17 से 14 -3 है ना दोस्तों, इसी तरह से आगे देखिए 14 से 11 -3, इसी तरह से 11 से 8 -3। देखो सीरीज मिल गई, दिमाग चल गया होगा, बुद्धि काम करने लगी होगी अब फटाफट। देखो दोस्तों 16 से 12 -4 है ना, इसी तरह से 12 से 8 -4 है ना। अब देखिए जो खाली स्थान है वो इसी के अंडर में है, खाली वाला स्थान इसी सीरीज के अंडर में है, तो 8 में से 4 घटा दीजिए कितना आएगा, 4 आएगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगर कोई पूछा होता एक और पद, मान लो एक और क्वेश्चन मार्क लग गया होता ऐसे कि एक और पद बताइए, तो हम लोगों को देखिए अब इस पे जाना होता -3 -3 -3, तो यहां से चलते -3 कितना हो जाता, 5 हो जाता, ये आपका आंसर हो जाता दोस्तों, ध्यान रखना है, यही हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे बिना समय गवाए हुए तुरंत अपने अगले प्रश्न पर, और हमारा आज का आखिरी प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जल्दी से इस सवाल का जवाब देना है, अच्छे अच्छे लोगों की बुद्धि इसमें घूमने वाली है, बहुत मजेदार सवाल है, ध्यान से देखिए सवाल को। 13 है 17 है 23 है 29 है 31 है 37 है, बताना है अगला क्या, बताना है अगला नंबर क्या होगा। बहुत बढ़िया सवाल है, कई लोग प्लस माइनस गुणा भाग सब कर डालेंगे, कुछ नहीं मिलेगा, ट्राई करके देख लो, कुछ नहीं मिलने वाला। देखिए इनका अंतर 4 आएगा है ना, इनका अंतर 4 आएगा, इनका अंतर 6 आएगा, इनका अंतर 6 आएगा, इनका अंतर 2 आएगा, इनका अंतर 6 आएगा, कोई कुछ नहीं मिलने वाला। सही सीक्वेंस देखिए, सब अलग अलग टर्म जा रहा है, यानी ये तो नहीं है, अब ये नहीं तो कुछ और सोचो। देखो भैया गुणा भाग यहां हो नहीं सकता इतने छोटे में, है ना, तो अब क्या करें, तो ध्यान से देखिए भैया, जरा ध्यान से समझिएगा इसको। देखिए 13 17 23 29 31 37, अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो दिमाग में एक संख्या आ गई होगी, मैंने अभी ऊपर बताया था एक सीरीज में प्राइम नंबर्स, याद है प्राइम नंबर्स, ध्यान से देखिए ये सब के सब प्राइम नंबर हैं। प्राइम नंबर का मतलब अभाज्य संख्याएं, कौन भैया, अभाज्य संख्याएं, देखिए अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं कौन होती हैं, जो केवल स्वयं से कटें वो अभाज्य होती हैं। तो ध्यान से देखिए बेटा, अगर आप इसको मिलाएंगे तो देखिए अभाज्य संख्याएं क्या क्या होती हैं, 2 है 3 है 5 है 7 है 11 है 13 है, फिर आपका 17 है 19 है, है ना, इसी तरह से 23 है, फिर आपका 27 29 है। ठीक है दोस्तों, देखते जाइए सब कुछ आपके सामने है, देखिए 29 है, फिर आपका 31 हो गया, फिर 32 33 34 35 36 37 हो जाएगा, ठीक है ना, 37 के बाद 38 हो गया, 39 40 41 हो जाएगा, ऐसे देखते जाइए, बहुत सारे आपको नंबर्स मिलेंगे। आप देख सकते हैं कैसे दिया गया है, देखिए 13 17, ठीक है, फिर उसके बाद इनको छोड़ दिया है, फिर 23 29, ठीक है ना, फिर देखिए 31 37, ये सब के सब अभाज्य संख्याएं रखी गई हैं। अब देखिए दोस्तों 22 अभाज्य है नहीं,
41 तो अभाज्य है, 19 ऑलरेडी इसकी जगह गायब हो चुकी है, 19 को लैप कर चुका है, वो ऑलरेडी पार हो चुका है, 23 को भी पार हो चुका है, 27 को भी पार हो चुका है, तो भैया बचा कौन? जो आगे हो सकता है वो 41 हो सकता है, बाकी इन तीनों को हम लोग पार कर चुके हैं। देखिए आप कहां पर हैं, 37 पर हैं, 37 पर हैं, और ये 19 है, 23 है, 27 है, इनको आप पार हो गए हैं, तो अब ये तो आ ही सकते, हमको उससे आगे जाना है, तो आगे जाने के लिए क्या मिलेगा, 41, यही अपना सही आंसर होगा कि सर इसके आगे जो अभाज्य आएगी वो 41 होगी और वही हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। ठीक है ना, उम्मीद है आज की सारी सवाल समझ में आए होंगे दोस्तों। आज के सवालों में मैंने सीरीज को ज्यादा लिया था, उसका कारण ये था कि सीरीज के सवाल जब ज्यादा होते हैं तो इसकी जब प्रैक्टिस करते रहोगे तो एग्जामिनेशन हॉल में जब आप बैठेंगे पेपर देने के लिए तो वहां पर सीरीज के 2-3 सवाल आपको जरूर मिलते हैं, और अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो बुद्धि सही जगह पर एक ही बार में पहुंच जाती है, समय नहीं लगता है, समय बचता है, अदरवाइज लगने को तो लग जाएगा बेटा, लेकिन 1-1.5 घंटे का समय ले लेता है कभी कभी सवाल, और वो सवाल लड़का छोड़ देता है, तो ध्यान रखना बेटा, छोड़ता भी है समय भी दे देता है, दोनों चीजें गड़बड़ हो जाती है, या तो छोड़ दो देखते ही तो बात अलग है, लेकिन अगर आपने उसको 2 मिनट भी दे दिया तो समय तो गया ना 2 मिनट, तो इसलिए बेटा सीरीज पे जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना एफर्ट करोगे, उतने अच्छे बनोगे, क्योंकि मैं बार बार एक ही चीज कहता हूं, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, मतलब बार बार अभ्यास करने से एक जड़ बुद्धि यानी जो मूर्ख है, बेवकूफ है, वो भी बुद्धिमान हो जाता है, जैसे कि एक पत्थर पे रस्सी को बार बार खींचते रहिए, देखिएगा उस पत्थर पे रगड़ पड़ जाती है, गड्ढा बन जाता है उस रस्सी की वजह से। तो ध्यान रखना दोस्तों, पढ़ाई एक ऐसी ही चीज है जहां पर आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना पढ़ोगे, उतना ही निखरते जाओगे, खिलते जाओगे, और जितना ही ओवर कॉन्फिडेंस में आओगे कि मेरे को सब कुछ आता है, उतने ही सिकुड़ते जाओगे, एक समय ऐसा आएगा कि जीरो हो जाओगे, जीरो, कहीं के नहीं बचोगे दोस्तों। ध्यान रखना है, खूब प्रैक्टिस करनी है, खूब मेहनत करनी है साथ में, और खूब पढ़ना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपसे फिर से मैं मिलूंगा अगली क्लास में कुछ अलग बेहतरीन सवालों के साथ में, जिस पे काम किया जाएगा दोस्तों साथ में, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, हमेशा मेहनत करो, पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो। ठीक है दोस्तों, चलिए राम राम, नमस्कार, फिर आपसे मिलूंगा अगली क्लास में।